हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आलू और केले की बहुत ही मजेदार सब्जी की रेसिपी, जो कि खाने में तो टेस्टी है ही, बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इस रेसिपी को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसे हमने किस तरीके से बनाया है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस सब्जी को बनाने के लिए हमने ले लिया है 4 कच्चे केले और 2 कच्चे आलू। उसे हमने आलू को छील लिया है और अब हम इस केले को छील कर तैयार कर लेते हैं। इसे छीलना बहुत ही आसान है, इसे छीलने में ज़्यादा समय नहीं लगती है। तो इस तरह से हम चाकू की सहायता से छील लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, हमने एक केले को छील कर रेडी कर लिया है। इसी तरह से सभी केले को हम छील लेंगे, और इसका छिलका जो है इसे भी हम नहीं फेंकेंगे। इसका भी बहुत ही टेस्टी चटनी बनता है। तो इसका भी रेसिपी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तो ये देखिए, हमने सभी केले को छील लिया है और इसका छिलका भी हम साइड रख लेते हैं। अब हम केले को इस तरह से गोल गोल साइज में काट कर रेडी कर लेते हैं। देखिए, इसे हमने थोड़ा सा मोटा मोटा काटा है, आप थोड़ा सा पतला भी काट सकते हैं। तो इसी तरह से सभी केले को हम काट लेते हैं। ये देखिए, हमने सभी केले को काट कर रेडी कर लिया है। अब जिस साइज में हमने केले को काटा है उसी साइज में हम आलू को भी काट लेंगे। तो एक आलू को हम पहले हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद इसे भी हम 2 भाग में काट लेते हैं, और उसके बाद इसका हम जिस साइज में हमने केले को काटा है उसी साइज में हम आलू को भी काट कर रेडी कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमने इस साइज का आलू को भी काटा है। तो इसी तरह से पूरे आलू को हमने काट कर रेडी कर लिया है। अब इसे हम धोकर ले आते हैं। तो ये हमने आलू और केले को धो लिया है। तो ये देख सकते हैं, अच्छे से हमने धोकर साफ कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने चढ़ा लिया एक कढ़ाई, और कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब कढ़ाई हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल लेंगे 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल लेंगे आलू जो हमने काट कर रखा है। तो इसे हम आलू को डालकर और 2 मिनट तक भून लेते हैं, ताकि हल्का सा आलू हमारा भून जाए। आलू को हमने 2 मिनट भून लिया है, देख सकते हैं हल्का सा हमारा आलू जो है भून गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने केले को काट कर रखा है, उसे भी हम इसी में डाल लेते हैं, और हल्का सा 2 से 3 मिनट इसे भी हम साथ में भून लेंगे, ताकि आलू और जो केला है हल्का सा पक जाए। 50 से 60% हम इसे भून कर ही पका लेते हैं। आलू और केले को हमने 2 मिनट भून लिया है, दोनों अच्छे से 50% के लगभग ही हमारा आलू और केला जो है पक गया है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरीके से आप अगर आलू और केले को भूनकर सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारा आलू तो भून गया है, इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, और जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे 1/2 स्पून जीरा, 2 लाल मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 हम बड़ी इलायची डाल लेंगे, और इसे हम थोड़ा सा तड़कने देंगे। जब ये हमारा मसाला जो है खड़ा मसाला थोड़ा सा भून जाएगा तो इसमें हम डाल लेंगे 2 बारीक चॉप किया हुआ प्याज, और इसे भी हम करीब 2 मिनट भून लेंगे। तो उतना में हमारा जो प्याज का है कच्चापन दूर हो जाएगा, उतना हम इसे भून कर रेडी कर लेते हैं। प्याज को हमने हल्का सा भून लिया है, देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम डाल लेंगे 1 स्पून अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट। हमने ये दरदरा कूट कर लिया है, आप इसकी जगह आप पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे भी हम 1 मिनट भून लेते हैं, ताकि लहसुन और अदरक मिर्च का कच्चापन दूर हो सके। इसे हमने 1 मिनट भून लिया है, ये देख सकते हैं इसका कच्चापन दूर हो गया है। अब इसमें हम डाल लेंगे सूखे मसाले। तो अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और ये हमने डाल लिया है 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और कलर के लिए हमने 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली का इस्तेमाल किया है, और ये हमने 1/4 टीस्पून
काली मिर्च का पाउडर डाल लिया है। इसमें मसाले ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसे हम मसालों को थोड़ा सा भूनेंगे, लेकिन ये मसाला जले नहीं, उसके लिए हम 2 स्पून के करीब पानी डाल लेंगे ताकि मसाला जले भी नहीं और अच्छे से पक भी जाए। तो इसे हम थोड़ा सा इसी तरह से भून लेते हैं। तो इसे हमने थोड़ा सा भून लिया है, मसाला भी थोड़ा सा पक गया है। तो अब इसमें हम डाल लेंगे 1 टमाटर का हमने प्यूरी बना के रख लिया है, उसे हम इसी में ऐड कर लेंगे। और साथ में हम डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये हमने अच्छे से टमाटर को मसालों में मिक्स कर लिया है। और अब हम लीड लगाकर बीच बीच में चलाते हुए 3 मिनट के करीब हम पका लेते हैं ताकि तेल भी अच्छे से छोड़ दे मसाला, उतना हमें इसे पकाना है। अगर ढक ढक कर इस तरह से आप मसाले को भूनिएगा तो मसाला बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से पक जाता है। तो इसे हमने 2 बार बीच बीच में ढक कर पका लिया है। देख सकते हैं मसाले से तेल जो है बाहर आ गया है, तो ये बहुत ही अच्छे से मसाला हमारा पक गया है। तो अब इसमें हम डाल लेंगे जो हमने केले और आलू को फ्राई करके रखा है, उसे हम इसमें ऐड कर लेते हैं। और इसे साथ में मसालों के साथ में केला और आलू को हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे ताकि मसालों के साथ ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 3 मिनट पका लेते हैं। तो देख सकते हैं मसालों के साथ हमने इसे 3 मिनट पका लिया है, बहुत ही अच्छे से पक गया है। तो अब इसमें हम डाल लेंगे ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी, जितना आपको पतला गाढ़ा रखना है उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिएगा। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डालिएगा, नहीं तो फिर ये आलू और केला जो है बाद में पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही पानी आप रख सकते हैं। और इसे लीड लगाकर हम 5 मिनट तक पका लेंगे, उतने में हमारा केला और आलू जो है अच्छे से पक जाता है। इससे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आलू और केला जो है अच्छे से पका है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं केला भी अच्छे से पक गया है और आलू भी हमारा अच्छे से पक गया है। तो अब इसमें हम डाल लेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पत्ती, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। धनिया पत्ती आप जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये हमारा सब्जी हो गया है तैयार। इसे आप रोटी पराठे या फिर चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लाजवाब सब्जी हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसे आप किसी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही मस्त लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको हमारा रेसिपी कैसा लगा। और अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।